मैं सबसे पहले सोशल मीडिया के फेसबुक पर जीवंत काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए जनसरोकार मंच और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। ये मेरा सोशल मीडिया पर जीवंत काव्य पाठ का पहला अनुभव है और मैं अपने आप को सकुचाता हुआ अनुभव कर रहा हूँ। एक संकोच सा मुझे हो रहा है क्योंकि मैं इस माध्यम का अभ्यस्त नहीं होने की वजह से अब तक ऐसा कोई भी अवसर मैं नहीं ले पाया हूँ कि आप सब लोगों के सामने अपनी कविताओं, गजलों, गीतों आदि को जीवंत रूप में प्रस्तुत कर सकूं। आज मुझे यह पहला मौका मिला है और मुझे उम्मीद है कि मेरी कविताएं, मेरी गजलें आप लोगों को पसंद आएंगी। मैं इस काव्य पाठ की शुरुआत एक गजल से कर रहा हूं जो मुझे बेहद प्रिय है। तुम्हारी गोद में रखा है मैंने सर जैसे, तुम्हारी गोद में रखा है मैंने सर जैसे, ठहर गई है कहीं राह में उमर जैसे, ठहर गई कहीं राह में उमर जैसे, वो बोलती हुई नजरें वो चुवन मादक सी, वो बोलती हुई नजरें वो चुवन मादक सी, रगों में तोलता रहा परिंदा पर जैसे, रगों में तोलता रहा परिंदा पर जैसे, कई बरसों के बाद आज तुमसे बात हुई, कई बरसों के बाद आज तुमसे बात हुई, पहले होता था फिर हुआ वही असर जैसे, पहले होता था फिर हुआ वही असर जैसे। वो शेर सुनिए जिसके लिए ये पूरी गजल मैंने लिखी है। बूढ़ी आंखों को मिल गई है रोशनी फिर से, बूढ़ी आंखों को मिल गई है
रोशनी फिर से बेटा भागा हुआ लौटा अपने घर जैसे बेटा भागा हुआ लौटा है अपने घर जैसे सुबह से शाम तक लोगों को भागते देखा सुबह से शाम तक लोगों को भागते देखा पीछा करते हुए आता हो कोई डर जैसे तुम्हारी गोद में रखा है मैंने सर जैसे ठहर गई है कहीं राह में उमर जैसे ठहर गई है कहीं राह में उमर जैसे। साथियों, वर्षा काल चल रहा है और इस वर्षा काल के अंतर्गत मैं बारिश को लेकर के अगर कोई रचना नहीं सुनाऊंगा तो ये आप लोगों की अपेक्षाओं के भी अनुरूप नहीं होगा और मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे कुछ छूट गया है। मैं एक गीत जिसको मैंने पावस गीत शीर्षक दिया है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कहीं झमाझम कहीं बेरिंजित कहीं झमाझम कहीं बेरिंजिम कहीं कहीं बूंदाबांदी है कहीं झमाझम कहीं बेरिंजिम कहीं कहीं बूंदाबांदी है बरसों प्यासी मरुधरा ने चौमासे काटी चांदी है चौमासे काटी चांदी है नदिया नाले ताल तलैया बांधों में झीलों तक ने नदिया नाले ताल तलैया बांधों में झीलों तक ने सावन की सौगात सहेजे अपनी अपनी हद फांदी है अपनी अपनी हद फांदी है महक मोगरे ने बिखराई गुड़हल गाल गुलाल हो गए महक मोगरे ने बिखराई गुड़हल गाल गुलाल हो गए मूंग मोठ तिल बाजरे ने खेतों के पगड़ी बांधी है खेतों के पगड़ी बांधी है हरियाला आंचल लहराती हवा हिंडोले खाती है हरियाला आंचल लहराती हवा हिंडोले खाती है बेपाहुं का हुकुम बजाते धूप थकी सी मांगी है बेपाहुं का हुकुम बजाते धूप थकी सी मांगी है इंद्रधनुष सतरंगा काले बादल सांस सिंदूरी है इंद्रधनुष सतरंगा काले बादल सांस सिंदूरी है तितली के पंखों पर उतरा पावस रंगों की आंधी है पावस रंगों की आंधी है कहीं झमाझम कहीं बेरिमझिम कहीं कहीं बूंदाबांदी है।
बरसों प्यासी मरुधरा ने चोमा से काटी चांदी है, चोमा से काटी चांदी है। और मित्रों, मैं एक गजल और आपके सामने रखना चाहता हूं जो मुझे काफी अच्छी लगती है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। जो जगा जाती है सिहरम वो शरद की भोर हो तुम आयो। जो जगा जाती है सिहरम वो शरद की भोर हो तुम, हो मेरे एहसास के संग या कहीं पर और हो तुम, हो मेरे एहसास के संग या कहीं पर और हो तुम। दे रहा पहरा अंधेरा जिंदगी की राह में, दे रहा पहरा अंधेरा जिंदगी की राह में, रोशनी से जो है जगमग उस गली का छोर हो तुम। दे रहा पहरा अंधेरा जिंदगी की राह में, रोशनी से जो है जगमग उस गली का छोर हो तुम। कैद कर ली है समय ने मिलने की उम्मीद जब, कैद कर ली है समय ने मिलने की उम्मीद जब, टूट कर फिर से जुड़े उसने ही मन की डोर हो, टूट कर फिर से जुड़े उसने ही मन की डोर हो तुम। और शेर सुनिए, जो सुनाई देता है मुश्किल से लोगों को यहाँ, जो सुनाई देता है मुश्किल से लोगों को यहाँ, हवा के संग खेलते पत्तों का मीठा शोर हो तुम, हवा के संग खेलते पत्तों का मीठा शोर हो तुम। रुख बदल लेती जरा सा जब भरोसे की हवा, बरसती है आंखों से ऐसी घटा घनघोर हो तुम, बरसती है आंखों से ऐसी घटा घनघोर हो तुम। जो जगा जाती है सिहरन वो शरद की भोर हो तुम, जो जगा जाती है सिहरन वो शरद की भोर हो तुम। अब मैं थोड़ा सा परिदृश्य बदलना चाहूंगा और गजलों के बाद एक कविता मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इतिहास शीर्षक है इसका। मात्र घटनाओं का संकलन नहीं है इतिहास, मात्र घटनाओं का संकलन नहीं है इतिहास, मानव समूहों के संचित अनुभवों की श्रृंखला है जो हमें
जाने अनजाने बांधे रखती है अपनी निराकार उपस्थिति से। मात्र घटनाओं का संकलन नहीं है इतिहास, मानव समूहों के संचित अनुभवों की श्रृंखला है जो हमें जाने अनजाने बांधे रखती है अपनी निराकार उपस्थिति से। कुछ लोगों के लिए वह किसी अजेय दुर्ग का खंडहर भर है, कुछ लोगों के लिए वह किसी अजेय दुर्ग का खंडहर भर है जिसका द्वारपाल होने का भ्रम पाले रहते हैं वे आजीवन, जिसका द्वारपाल होने का भ्रम पाले रहते हैं वे आजीवन। ऐसे किलों में प्रवेश के लिए इतिहास का सम्यक ज्ञान और तर्क भरे तर्कश नहीं, एक आत्महंता हट चाहिए जो त्रुटिहीन तथ्यात्मकता और न्याय संगति के साथ जहां खड़े हैं वहीं ठीक वहीं धरती की धुरी होने का ठसका दिखाए। जब जघन्य अपराध पा लेते हों सामाजिक नैतिकता की स्वीकृति, तो करुणा की मेंढक कुदान नहीं बचा पाती है मानवता को मरुथल होने से। जब जघन्य अपराध पा लेते हो सामाजिक नैतिकता की स्वीकृति, तो करुणा की मेंढक कुदान नहीं बचा पाती है मानवता को मरुथल होने से, और उसमें गिरे हुए आंसू किसी का कोर भिगोना तो दूर अपनी ही आर्द्रता को तरस जाते हैं। भेड़ियों के झुंड में बदलती भीड़ के जबड़ों से किसी को बचा लाने के लिए कबूतर के तौल के बराबर अपना मांस काट देने वाली करुणा चाहिए। भेड़ियों के झुंड में बदलती भीड़ के जबड़ों से किसी को बचा लाने के लिए कबूतर के तौल के बराबर अपना मांस काट कर देने वाली करुणा चाहिए। दुनिया को मनुष्यहीन बनाने के लिए अब बारूद के कारखानों की नहीं, रोबोट को मनुष्य मान लेने की मूर्खता पर्याप्त है। दुनिया को मनुष्यहीन बनाने के लिए अब बारूद के कारखानों की नहीं, रोबोट को मनुष्य मान लेने की मूर्खता पर्याप्त है। जिनसे नहीं बनेगी मानव अनुभवों की कोई श्रृंखला और हमेशा के लिए अंत हो जाएगा इतिहास। जिनसे नहीं बनेगी मानव अनुभवों की कोई श्रृंखला और हमेशा के लिए इतिहास अंत हो जाएगा इतिहास का और हमेशा के लिए अंत हो जाएगा इतिहास का। एक कविता और मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उम्मीद जगाने वाले, जो लोग उम्मीदें जगाते हैं आम लोगों में, जो लोग उम्मीदें जगाते हैं आम लोगों में, उन्हें उम्मीद है कि एक दिन लोग छोड़ देंगे उनसे उम्मीद कर। जो लोग उम्मीदें जगाते हैं आम लोगों में, उन्हें उम्मीद है कि एक दिन लोग छोड़ देंगे उनसे उम्मीद करना। लोग भी जानते हैं कि झूठी उम्मीदें जगाने वाले बिल्कुल भी गंभीर नहीं है जगाई गई उम्मीदों को लेकर। लोग भी जानते हैं कि झूठी उम्मीदें जगाने वाले बिल्कुल भी गंभीर नहीं है जगाई गई उम्मीदों को लेकर। जब बार बार दिलाई जाती है उन्हें याद जगाई गई उम्मीदों की, तो एक दिन कोसने लगते हैं वे आम जन को यह कहकर कि बहुत बढ़ गई है उनकी उम्मीद। तो एक दिन कोसने लगते हैं वे आम जन को यह कहकर कि बहुत बढ़ गई है उनकी उम्मीदें, और हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना संभव नहीं है उम्मीद जगाने वालों के लिए, और हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरना संभव नहीं है उम्मीद जगाने वालों के लिए। आम लोगों की उम्मीदों पर दिन रात पानी फेरने वाले ही जगाते हैं उनमें नई नई उम्मीदें। आम लोगों की उम्मीदों पर
दिन रात पानी फेरने वाले ही जगाते हैं उनमें नई नई उम्मीदें, इस उम्मीद के साथ कि लोग समझ जाएंगे एक दिन कितना बुरा होता है किसी से उम्मीद करना, कि लोग समझ जाएंगे एक दिन कितना बुरा होता है किसी से उम्मीद करना। असल में आदमी अपने आप से उम्मीद भी असल में आदमी अपने आप से उम्मीद तभी करता है जब वह छोड़ देता है दूसरों से उम्मीद करना। असल में आदमी अपने आप से उम्मीद तभी करता है जब वह छोड़ देता है दूसरों से उम्मीद करना। उम्मीद जगाने वाले जो लोग उम्मीद जगाते हैं आम लोगों में, उन्हें उम्मीद है कि एक दिन लोग छोड़ देंगे उनसे उम्मीद करना। साथियों, एक कविता और मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इस कविता के अंदर मैं जो आने वाली नस्लें हैं उनकी एक चिंता को लेकर के अपनी बात कह रहा हूं। कविता का शीर्षक है जीवन चक्र। बेहतर वस्तुओं की इच्छा का भी होता है एक जीवन चक्र। बेहतर वस्तुओं की इच्छा का भी होता है एक जीवन चक्र, जो हरेक को बनाए रखता है गतिशील, फिर चाहे वह पीने का पानी ही क्यों न हो। बेहतर वस्तुओं की इच्छा का भी होता है एक जीवन चक्र, जो हरेक को बनाए रखता है गतिशील, फिर चाहे वह पीने का पानी ही क्यों न हो। भूजल खत्म होने की दहशत में जी रहे लोगों की सपनी भी आंखों की झील से उड़ रही है एक एक बूंद भाप बनकर। भूजल खत्म होने की दहशत में जी रहे लोगों की सपनी भी आंखों की झील से उड़ रही है एक एक बूंद भाप बनकर। गीले कपड़े सी निचुड़ती जिंदगी की छिटकी बूंदों में बिखरता दिख रहा है उन्हें अपनी आने वाली नस्लों का कल। गीले कपड़े सी निचुड़ती जिंदगी की छिटकी बूंदों में बिखरता दिख रहा है उन्हें अपने आने वाली नस्लों का कल। अपने हाथों में बाल्टियां थामे भागती दिखाई दे रही है उनकी आकांक्षाएं। अपने हाथों में बाल्टियां थामे भागती दिखाई दे रही हैं उनकी आकांक्षाएं। कांधे पर बहंगी लटकाए डोल रही है उनकी भौतिक उपलब्धियां, उनकी कर्मठता। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर पर पानी के ड्रम लटकाए उनकी कर्मठता घूम रही है। कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर पर पानी के ड्रम लटकाए झुंड के झुंड लोगों को अपनी ओर आता देख कर उकड़ी हो गए हैं नदी, कुएं, बावड़ी, ताला। झुंड के झुंड लोगों को अपनी ओर आता देखकर उकड़ू हो गए हैं नदी, कुएं, बावड़ी, ताला। बना ली है उन्होंने अपने होठों पर ओट इस उम्मीद में कि शायद झुंड में से कोई डाल सके दो बूंद उनके हलक में। शायद झुंड में से कोई डाल सके दो बूंद उनके हलक में। बेहतर वस्तुओं की इच्छा का भी होता है एक जीवन चक्र, जो हरेक को बनाए रखता है गतिशील। ठहरा हुआ वक्त बंद घड़ी की अटकी सुइयां दो बार बता देती हैं सही समय 24 घंटों का। बंद घड़ी की अटकी सुइयां दो बार बता देती हैं सही समय 24 घंटों में। थोड़ी देर के लिए ठहरा हुआ वक्त भी आत्मग्लानि से भरी सुइयों में जगा जाता है अपनी जगह सही होने का एहसास। थोड़ी देर के लिए ठहरा हुआ वक्त भी आत्मग्लानि से भरी सुइयों में जगा जाता है अपनी जगह सही होने का एहसास। बंजर धरती में चाहे न उगती हो फसलें, पर कल्ले तो फूटते ही हैं घास के, धूप के, लता के, गुल्म के। बंजर धरती में चाहे न उगती हो फसलें, पर कल्ले तो फूटते ही हैं घास के, धूप के, लता के, गुल्म के।
ठहरे हुए जीवन में भी जरूरत भर हलचल तो होनी ही चाहिए, तभी उपजता है अपनी जगह सही होने का विश्वास। ठहरे हुए जीवन में भी जरूरत भर हलचल तो होनी ही चाहिए, तभी उपजता है अपनी जगह सही होने का विश्वास। बंद घड़ी की अटकी सुइयां दो बार बता देती हैं सही समय 24 घंटों में। मित्रों, एक गजल आपके सामने रख रहा हूं। बस गए हैं घर बनाकर ठग तुम्हारे गांव। आजकल का जो दौर है वो बिल्कुल इसी तरह का है। उसको लेकर के मैंने एक बात कहनी चाहिए है। बस गए हैं घर बनाकर ठग तुम्हारे गांव में, बन के कंकर चुभ रहे हैं जिंदगी के पांव में। बन के कंकर चुभ रहे हैं जिंदगी के पांव में, जो पसीनों से है लथपथ थक के बेदम हो जाए। जो पसीनों से है लथपथ थक के बेदम हो चला, उसको लाना चाहता हूं मैं घनेरी छांव में। उसको लाना चाहता हूं मैं घनेरी छांव में। उनको कैसे सौंप दूं मैं रहनुमाई कौम की, उनको कैसे सौंप दूं मैं रहनुमाई कौम की, मौका पाके जो चुभो देते हैं नस्तर घाव में। मौका पाके जो चुभो देते हैं नस्तर घाव में। पार करने का तरीका दूसरा जब है नहीं, पार करने का तरीका दूसरा जब है नहीं, क्यों नहीं नदिया में उतरे फिर से टूटी नाव में। क्यों नहीं नदिया में उतरे फिर से टूटी नाव में। है नहीं आसान हवा का रुख बदलना अब मगर, है नहीं आसान हवा का रुख बदलना अब मगर, बाकी है बस जीत की उम्मीद आखिरी दांव में। बाकी है बस जीत की उम्मीद आखिरी दांव में। बाकी है बस जीत की उम्मीद आखिरी दांव में। एक कविता जिसका शीर्षक है मचान, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। जिनको हाजिर होने के लिए कहा था वे सब दंडवत है, जिनको हाजिर होने के लिए कहा था वे सब दंडवत है अपने आठों अंगों के साथ, और श्रद्धा विगलित होकर करने लगे हैं सपनों में स्तवन। और श्रद्धा विगलित होकर करने लगे हैं सपनों में स्तवन। तैयार हो गए हैं वे सब शिकारी के लिए बनाए गए मचान के अडिग और मजबूत खंभे बनने को। तैयार हो गए हैं वे सब शिकारी के लिए बनाए गए मचान के अडिग और मजबूत खंभे बनने को। वे सब जो बना सकते थे शिकार पर पाबंदी के लिए कानून। वे सब जो बना सकते थे शिकार पर पाबंदी के लिए कानून, जो निर्दोष प्राणियों की हत्या के जुर्म में कर सकते थे शिकारी को गिरफ्तार, कानून के सहारे जो सुना सकते थे शिकारी को सख्त सजा, जो बना सकते थे शिकारी के विरुद्ध ऐसी जलधारणा कि कभी कोई सोच भी नहीं पाता शिकारी बनने और मचान बनाकर शिकार का सुख लेने के बारे में। मचान के मजबूत खंभे कर रहे हो जब शिकारी को आश्वस्त कि सुरक्षित है वह तमाम ऊंची छलांग वाले खतरों से। मचान के मजबूत खंभे कर रहे हो जब शिकारी को आश्वस्त कि सुरक्षित है वह तमाम ऊंची छलांग वाले खतरों से। शिकारी ने डाल दिया है निरापद जंगल में एक हाका, और छोड़ दिए हैं हुआ हुआ करने को कुछ पालतू लगड़ बग्घे।
और छोड़ दिए हैं हुआ हुआ करने को कुछ पालतू लकड़बग्घे बिना हथियार उठाए शिकारी निरीह प्राणियों को जिबह होता देखकर ले रहा है शिकार का सुख ऊंचे मचान पर बैठकर। बिना हथियार उठाए शिकारी निरीह प्राणियों को जिबह होता देखकर ले रहा है शिकार का सुख ऊंचे मचान पर बैठकर। जिनको हाजिर होने के लिए कहा था वे सब दंडवत हैं। अभी है समय? अभी तो बाकी है रचना। पिछले दिनों मैंने एक कविता लिखी है। आमतौर पर जिन लोगों को जीवन के अंदर असफल माना जाता है उन लोगों को ध्यान में रखकर के ये कविता है। असफल लोग कथित सफल लोगों के लिए, असफल लोग अच्छे विषय पर लिखे ग्रंथ के उबाऊ आमुक की तरह होते हैं। कथित सफल लोगों के लिए असफल लोग अच्छे विषय पर लिखे ग्रंथ के उबाऊ आमुक की तरह होते हैं जिसे कभी नहीं पढ़ते वे बावजूद खुद को पढ़ा लिखा बताने के, जिसे कभी नहीं पढ़ते वे बावजूद खुद को पढ़ा लिखा बताने के, उन ग्रंथों के लोकार्पण में भी बुलाना पसंद नहीं करते वे असफल लोगों को, उन ग्रंथों के लोकार्पण में भी बुलाना पसंद नहीं करते वे असफल लोगों को। अनिश्चय का बेताल जीवन भर लगा रहता है असफल लोगों के कांधे पर, अनिश्चय का बेताल जीवन भर लगा रहता है असफल लोगों के कांधे पर। उन्हें देखते ही अनायास हाथ जोड़ देती है सफलताएं, स्वतः मुन जाती है उनकी विस्मयकारी आंखें। बहुत कुछ कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते असफल लोग, बहुत कुछ कहना चाहकर भी कुछ नहीं कह पाते असफल लोग। सारे धूम धड़ाके के बावजूद आकार लेता रहता है उनके भीतर एक सन्नाटा, सारे धूम धड़ाके के बावजूद आकार लेता रहता है उनके भीतर एक सन्नाटा। कोई भी नहीं सुनना चाहता उनकी असफलता का आख्यान, कोई भी नहीं सुनना चाहता उनकी असफलता का आख्यान। यही सोचकर प्रायः अकेलेपन को सहेजे रहते हैं असफल लोग, कंगाली में बचे आखिरी सिक्के की तरह। यही सोचकर प्रायः अकेलेपन को सहेजे रहते हैं असफल लोग, कंगाली में बचे आखिरी सिक्के की तरह। कोई मार्मिक प्रसंग याद आने पर उनकी आंखों में ही सूख जाते हैं उनके आंसू, कोई मार्मिक प्रसंग याद आने पर उनकी आंखों में ही सूख जाते हैं उनके आंसू। अपनी कमजोरियों के सार्वजनिक होने से पहले दुनिया से विदा हो जाना चाहते हैं असफल लोग, अपनी कमजोरियों के सार्वजनिक होने से पहले दुनिया से विदा हो जाना चाहते हैं असफल लोग। नित उठ छेली गई धूर्तताओं को मुंह चिढ़ाते हुए वे करते हैं अपनी असफलताओं को शर्मिंदा, नित उठ छेली गई धूर्तताओं को मुंह चिढ़ाते हुए वे करते हैं अपनी असफलताओं को शर्मिंदा। झोपड़पट्टियों में रहते हुए वे बनाते हैं कथित सफल लोगों के लिए गगनचुंबी अट्टालिकाएं, झोपड़पट्टियों में रहते हुए वे बनाते हैं कथित सफल लोगों के लिए गगनचुंबी अट्टालिकाएं। वे उपजाते हैं अन्न और फल अफराए लोगों के लिए आधा पेट भूखे रहकर, वे उपजाते हैं अन्न और फल अफराए लोगों के लिए आधा पेट भूखे रहकर। असफल लोगों को नहीं सताता है डर तथा कथित सफलताओं से वंचित होने का, असफल लोगों को नहीं सताता है डर तथा कथित सफलताओं से वंचित होने का। प्रश्नहीन आस्थाओं में वे कर लेते हैं सहज विश्वास और होते रहते हैं असफल, प्रश्नहीन आस्थाओं में वे कर लेते हैं सहज विश्वास
और होते रहते हैं असफल, प्रश्नहीन आस्थाओं के खतरे अक्सर उपजाते हैं कथित सफल लोग। प्रश्नहीन आस्थाओं के खतरे अक्सर उपजाते हैं कथित सफल लोग। जैसे एक जलवायु का पौधा नहीं होता है विकसित भिन्न जलवायु में, ऐसे ही असफल लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं प्रायः सफलता के कथित मापदंड और आजीवन झेलते रहते हैं असफलता का विषैला दंश। जैसे एक जलवायु का पौधा नहीं होता है विकसित भिन्न जलवायु में, ऐसे ही असफल लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं प्रायः सफलता के कथित मापदंड और आजीवन झेलते रहते हैं असफलता का विषैला दंश। मनमानी उपलब्धियों के पुल पर खड़े होकर आत्मवंचना की नदी में कूद पड़ने को आतुर सफल लोग जब उम्मीद करते हैं प्रश्नहीन आस्थाओं से। मनमानी उपलब्धियों के पुल पर खड़े होकर आत्मवंचना की नदी में कूद पड़ने को आतुर सफल लोग जब उम्मीद करते हैं प्रश्नहीन आस्थाओं से डूबने से बचाने की, तब अपनी फटी पगड़ी हाथों में लिए किनारे खड़े दिखाई पड़ते हैं असफल लोग। उसी क्षण नितांत असफल होकर भी एक भरा पूरा सफल मानवीय जीवन जी लेते हैं असफल कहलाने वाले को। उसी क्षण एक भरा पूरा सफल मानवीय जीवन जी लेते हैं असफल कहलाने वाले को। अभी पिछले दिनों मैंने एक गजल लिखी है, दो गजलें लिखी हैं, एक तो कोरोना काल पर लिखी है और एक गजल जो है वो इसी माहौल के अंदर लिखी है, वो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कागज कलम छोड़ कर अब तो दीवारों पर कविता लिख, कागज कलम छोड़ कर अब तो दीवारों पर कविता लिख, मंदिर के शिखरों मस्जिद की मीनारों पर कविता लिख, कागज कलम छोड़ कर अब तो दीवारों पर कविता लिख, मंदिर के शिखरों मस्जिद की मीनारों पर कविता लिख, जहर बुझी बातों से या फिर जाति धर्म के नाम पर, जहर बुझी बातों से या फिर जाति धर्म के नाम पर, इंसानों को बांटे उनके किरदारों पर कविता लिख, इंसानों को बांटे उनके किरदारों पर कविता लिख, लौट के आई अपनी ही आवाजें सुन जो चकित हुए, लौट के आई अपनी ही आवाजें सुन जो चकित हुए, हक पाने को लड़ने वाले खुददारों पर कविता लिख, हक पाने को लड़ने वाले खुददारों पर कविता लिख, अफवाहों का जंगल रचकर सच का उपवन करे तबाह, अफवाहों का जंगल रचकर, ये जो आपके फेक जो है ना जितने भी है उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहा है, अफवाहों का जंगल रचकर सच का उपवन करे तबाह, ठंडी छांव में बैठे है जो, ठंडी छांव में जो बैठे उन मक्कारों पर कविता लिख, अफवाहों का जंगल रचकर सच का उपवन करे तबाह, ठंडी छांव में जो बैठे उन मक्कारों पर कविता लिख, जिनके मन का मैल न धुलता
बातों की बरसातों से जिनके मन का मैल न धुलता, बातों की बरसातों से छोटे मन वालों के मन के विस्तारों पर कविता लिख, छोटे मन वालों के मन के विस्तारों पर कविता लिख। और एक गजल जो मैंने अभी कोरोना को लेकर के लिखी है, हो सकता है आप लोगों को पसंद आए। कोशिश की है मैंने कोरोना काल को इस अपनी इस रचना के माध्यम से कहने की। कोरोना में कामगार जग ठाले हो गए, कोरोना में कामगार जग ठाले हो गए, दुर्लभ उनको दोनों वक्त निवाले हो गए। कोरोना में कामगार जब ठाले हो गए, दुर्लभ उनको दोनों वक्त निवाले हो गए। बेरहमी से हटा दिए गए बीमारी के नाम पर, ये शेर सुनिए। बेरहमी से हटा दिए गए बीमारी के नाम पर, शहरी जीवन के कोनों के जाले हो गए, शहरी जीवन के कोनों के जाले हो गए। जैसे हम अपने घरों के अंदर जालों को बेरहमी से हटा देते हैं, उसी तरह से जो है तमाम उन लोगों को जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालन कर रहे थे, वो सब शहरों से बेदखल कर दिए गए हैं। खाली पेट हजारों मील तपती धूप में, खाली पेट हजारों मील तपती धूप में, पैदल चलने से पांव में छाले हो गए, पैदल चलने से पांव में छाले हो गए। मरना ही जब तय है तो क्यों न मरोए अपनों के संग, मरना ही जब तय है तो क्यों न मरे अपनों के संग, बेगानों के संग जीवन के लाले हो गए, बेगानों के संग जीवन के लाले हो गए। अम्मा बाबूजी बच्चों से मिलने की उम्मीद में, अम्मा बाबूजी बच्चों से मिलने की उम्मीद में, राहों बैठी मौत के हवाले हो गए, राहों बैठी मौत के हवाले हो गए। कोरोना में कामगार जब ठाले हो गए। और वे तो मैं अपनी जो है वो बूढ़े लोगों के ऊपर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं, उनमें से जो है वो एक दो कविताएं आपको सुना करके इस काव्य पाठ को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। बूढ़े लोग, बूढ़े लोगों का अक्सर अपनी स्मृति की सुरंग में उतर जाना अच्छा नहीं लगता उनके बच्चों को। ये बूढ़े लोग कविताएं मेरा जो कविता संकलन है तनावग्रस्त शहर, इसमें भी सम्मिलित है। इसलिए इनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई नई कविता है जो है प्रकाशित हो चुकी है, कविता हाँ, लेकिन मैं इनको आपको सुनाने का जो लोभ है वो नहीं छोड़ पा रहा हूँ। बूढ़े लोगों का अक्सर अपनी स्मृति की सुरंग में उतर जाना अच्छा नहीं लगता उनके बच्चों को। स्मृतियों की तंग सुरंग में आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आगे बढ़ता देखकर
कनखियों में बतियाने लगते हैं उनके परिजन, स्मृतियों की तंग सुरंग में आहिस्ता आहिस्ता उन्हें आगे बढ़ता देखकर कनखियों में बतियाने लगते हैं उनके परिजन। दरअसल रोशनी बनकर रहना पड़ता है परिजनों को अंधेरी सुरंग में बूढ़े लोगों के साथ। दरअसल रोशनी बनकर रहना पड़ता है परिजनों को अंधेरी सुरंग में बूढ़े लोगों के साथ, लंगड़ाती स्मृतियों के सहारे आगे बढ़कर फिर लौट आते हैं बूढ़े लोग जहां से चले थे। लंगड़ाती स्मृतियों के सहारे आगे बढ़कर फिर लौट आते हैं बूढ़े लोग जहां से चले थे, वहीं पर स्मृतियों की सुरंग में बतियाते चलते बूढ़े लोग एक दिन अचानक छोड़ जाते हैं परिजनों को स्मृतियों में जीने के लिए। स्मृतियों की सुरंग में बतियाते चलते बूढ़े लोग एक दिन अचानक छोड़ जाते हैं परिजनों को स्मृतियों में जीने के लिए। बूढ़े लोगों का अक्सर अपनी स्मृति की सुरंग में उतर जाना अच्छा नहीं लगता उनके बच्चों को। उन बूढ़े लोग, उनके पोपले मुंह में दिखाई देता है समूचा ब्रह्मांड बाजी करके घंटे से। हाँ